नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट वेजिटेबल रैप, जिनको बनाना बहुत ही इजी है। लेफ्ट ओवर रोटी, पनीर, ग्रीन मूंग, मिक्स वेज, कैरेट, कैप्सिकम एंड बीटरूट, अनियन भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी, इमली एंड गुड़ की चटनी, टमाटो सॉस, टमाटो स्लाइस, चीज एंड कटलेट। कटलेट आप कोई भी बना सकते हैं, आलू के, मिक्स वेज या हरा भरा कटलेट। देसी घी में हम चार कट डाल लेंगे। चार कट ऐसे डालने हैं, जो बीच का पोर्शन है वो जुड़ा होना चाहिए। टमाटो केचप लगा लिया एक पोर्शन पे। एक पे मिक्स वेज रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स वेज रखेंगे। थर्ड पे मूंग दाल रखेंगे। आप स्प्राउटेड भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास स्प्राउटेड है तो वो भी डाल सकते हैं। फोर्थ वाले पे हम चीज डाल देंगे, हल्का सा ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फर्स्ट फोल्ड ऐसे करेंगे, सेकंड ऐसे एंड थर्ड ऐसे। ये हमारा रैप बनके रेडी हो गया। लेफ्ट ओवर रोटी ले ली, चार कट डाल दिए। एक पोर्शन पे ग्रीन चटनी लगाएंगे, होममेड ग्रीन चटनी, कोरिएंडर एंड मिंट लीफ। इस पे हम इमली एंड गुड़ का चटनी डालेंगे। इधर हम एक कटलेट रख देंगे, एक टमाटो रख देंगे और हर पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा सा हम चीज रख देंगे। आप मोज़रेला चीज ले सकते हैं, मेरे पास तो स्लाइस है इसलिए मैं उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल रही हूं। अब हम इसको इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल देंगे। अब अगेन हमें इसको फोल्ड करना है, वन फोल्ड, सेकंड फोल्ड एंड दिस इज थर्ड फोल्ड। ये हमारा एक और रैप बनके तैयार हो गया। ये हमारे रैप बन के रेडी हो गए हैं। हम क्या करेंगे, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा लेंगे। आप अगर बटर लगाना चाहते हैं तो बटर भी लगा सकते हैं। अब हम इसको टोस्टर में रख देंगे। जो घी वाली साइड है उसको हमें नीचे रखना है एंड अगेन इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब हमें टोस्टर को बंद कर देना है एंड इसको ऑन कर दिया। वेजिटेबल रैप बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। हेल्दी वेजिटेबल रैप बनके रेडी हो गए हैं। आप इन रैप को ग्रीन चटनी, टमाटो केचप एंड चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।